हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज भगेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आइए शुरुआत करते हैं आज हम नेक्स्ट वीडियो की, जिसका नाम है हमारा ग्रामर, राइट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी होता है, और पुराने ज़माने के लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी को ग्रामर नहीं आती तो उसने क्या इंग्लिश सीखी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि ग्रामर ही वो तरीका है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को या किसी भी भाषा को एरर फ्री कर सकते हैं, राइट। जिसमें हम लोग कोई भी शब्द को यूज़ करते हैं, किसी भी सेंटेंस को यूज़ करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह की कोई गलती को होने से हमें रोकता है, उसे हम ग्रामर बोलते हैं। आइए जानते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा है तो लैंग्वेज की शुरुआत जो होती है वो लैंग्वेज की शुरुआत होती है लेटर से। लेटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेटर होता क्या है। एंड अब बात करते हैं, लेटर से हमारा बना वर्ड, वर्ड से हमारा बना सेंटेंस, और सेंटेंस से हमारा बना पैराग्राफ। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लेटर की, तो लेटर मैंने बताया था ए बी सी डी, कोई भी इंडिविजुअल लेटर, राइट, कोई भी अकेला लेटर जैसे ए बी सी डी, जब वो मिलकर के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड। और वर्ड में हमने जाना था, उसमें हम वर्ड मीनिंग बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था एप्पल का, राइट। और एप्पल जब बन गया, तो जैसे कि कोई भी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज का मतलब होता है मीन ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका। और बातचीत करने का जो तरीका होता है, हम किसके माध्यम से बातचीत करते हैं, सेंटेंस के माध्यम से। यानी सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या बोल सकते हैं, वाक्य। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे सेंटेंस से, यानी वाक्य से। तो वाक्य होता क्या है, किसी भी भाषा को कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी भाषा में बातचीत करने के लिए हमें शब्दों का चुनाव करना होता है, और उन शब्दों को इस फॉर्मेट में रखना होता है, इस फॉर्म में रखना होता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आसानी से हमारी भाषा, हमारी बात को समझ पाए, और समझ पाए उसका रिप्लाई कर पाए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी भाषा के अंतर्गत हम लोग बिना सेंटेंस के बातचीत नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति मेरे पास आया और मैं उससे पूछना चाहता हूँ आप कहाँ से आए हो, राइट। तो कहाँ से की इंग्लिश क्या होगी, वेयर फ्रॉम। अगर मैं सिंपल उससे वेयर पूछता हूँ तो वो क्या मतलब लगाए, वेयर मतलब कहाँ से आए हो, वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो, या वेयर मतलब कहाँ जाओगे, राइट। तो ओवरऑल बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा। तो हमें शब्दों का चुनाव करके एक वाक्य में ढालना ही होगा, और जब वाक्य को हम एक्सप्रेस करेंगे लोगों के सामने तो वो हमारी बात को समझ पाएंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस, राइट। तो सेंटेंस को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ग्रामर डिफाइन करूँ तो डिफाइन हो सकता है a group of words which make a complete sense is called sentence। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, और शब्द मतलब group of words, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देगा, राइट, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। और सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज में हम बिना सेंटेंस के बातचीत नहीं कर सकते, राइट। तो जानते हैं फिर कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, यानी भाषा के अंदर बोले जाने वाला सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। मैंने बताया था कि इंग्लिश को मैं बड़ा ईजी तरीके से आपको सिखाऊंगा, तो हम लोग रिलेट करते हैं, चूंकि हिंदी भाषी लोग हैं, रिलेट करते हैं हिंदी में, राइट। तो ये हमने देखा सेंटेंस। अब सेंटेंस जानने के बाद में हमें ये क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें कोई अर्थ दे रहा है, वो हमारा सेंटेंस कहला रहा है, लेकिन सेंटेंस होगा कितने प्रकार का, राइट। सेंटेंस की मैं बात करता हूँ तो हिंदी में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेन में जा रहा हूँ, राइट, और एक ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा जाता है, राइट। तो मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत किसमें करेंगे हम लोग, लैंग्वेज में, यानी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, राइट। तो जब मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ तो बातचीत करने के दौरान मैंने उससे पूछ लिया, भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप, तो कहाँ जा रहे हो मैं, मैंने उससे क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, और क्वेश्चन कर लिया तो उसने मुझे रिप्लाई भी दिया कि भाई साहब कहीं नहीं, दिल्ली तक जा रहा हूँ। तो दिल्ली तक जा रहा हूँ, दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो किसी भी भाषा में बातचीत की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, प्रश्न पूछने से होती है। तो देखा जाए तो पहला टाइप हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न पूछना। मैंने किसी से प्रश्न पूछा, वो इंटरोगेटिव हो गया। तो चलिए टाइप्स ऑफ
अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं, तो पहला टाइप आ गया हमारे पास इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। तो हमने देखा कि जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहां जा रहे हो, तो मैंने उससे प्रश्न कर लिया, और प्रश्न कर लिया तो उसने मुझे बदले में रिप्लाई भी किया, और रिप्लाई करना होता है स्टेटमेंट। रिप्लाई करने को हम लोग बोलते हैं असर्टिव, यानी कथनवाचक। तो दूसरा टाइप हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि कथनवाचक। तो अब क्या हुआ, हमारे बीच में बातचीत होना शुरू हो गई, और जब बातचीत होना शुरू हो गई तो मैं बैठा हुआ था, अचानक से मुझे लगा कि खिड़की बंद करनी चाहिए, तो मैंने बोला भाई साहब खिड़की बंद कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, उनसे आदेश दे दिया कि खिड़की बंद कर दीजिए। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ भाई साहब कृपया खिड़की बंद कर दीजिए, तो कृपया में मैंने क्या कर दिया, उनसे रिक्वेस्ट कर दिया। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या आदेश देते हैं तो वो भी एक अलग कैटेगरी हो गई, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं इंपैरेटिव। क्या बोलते हैं, यानी कि आज्ञावाचक, राइट। तो जब हमारी मित्रता हो गई और हमारे बीच में बातचीत भी शुरू हो गई, और मैंने उससे बोला कि आप खिड़की बंद कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट कैसा सेंटेंस हो गया, इंपैरेटिव हो गया। उसने मुझे बोला भाई साहब जरा बोतल पास कर दीजिए, है ना, जरा लाइट ऑन कर दीजिए, जरा पंखा ऑन कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कमांड देना शुरू कर दिया। और कमांड सेंटेंस को हम लैंग्वेज के अंदर कमांडिंग सेंटेंस या फिर इंपैरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अब हुआ यूं कि हम जा रहे थे, और जाते जाते देखा कि एक ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति आया, और वह व्यक्ति कुछ बेच रहा था, और उसको बेचने का जो स्टाइल था वो अमेजिंग था। उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके दिखाई, वी वर शॉक्ड, हम सारे के सारे लोग सरप्राइज थे। और मेरे मुंह से सीधा निकला, वाओ क्या आदमी है, वाओ क्या कला है, वाओ क्या आर्ट है। तो वो जो वाओ क्या आर्ट है वो मैंने सोच समझ के नहीं बोला, मैंने जो फील किया, जो महसूस किया, अचानक से मेरे दिमाग में जो बात आई, मेरे दिमाग में जो विचार आया, मैंने उसे एक्सप्रेस कर दिया। वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी, यानी फोर टाइप हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी, यानी विस्मयबोधक। तो जब भी कोई वाक्य, जब भी कोई भाव मेरे दिमाग में अचानक से आएगा, मैं देख के शॉक्ड सरप्राइज हो जाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, एक्सक्लेमेटरी, राइट। एंड अब बात करते हैं हम लोग, तो जब पूरी जर्नी खत्म हो गई, हम दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए, उन्हें भी उतरना था, मुझे भी उतरना था, तो हम लोगों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया और बोला बाय बाय, हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, है ना, बेस्ट विशेस, ये सारी चीज़ें। तो उनकी इच्छा हुई, यानी हमारे बीच में जितना कम्युनिकेशन हुआ, हमारे बीच में जितनी बातचीत हुई, उन्हें लगा ये इंसान बहुत अच्छा है, मुझे लगा ये इंसान बहुत अच्छे हैं, तो हम उनकी इच्छा हुई कि जाते जाते इस व्यक्ति को विश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विश कर देते हैं। उन्होंने बोला बेस्ट विशेस, और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, एंड दिस एंड दैट, है ना। तो वो क्या होगा, बेस्ट विशेस। इसी तरह से कई बार हम छोटे से कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं और वो भी ट्रेन में जा रहे हैं, हम भी ट्रेन में जा रहे हैं, जैसे कि आगे होली आ रही है, तो हमने देखा कि हमारी अच्छी मित्रता हो चुकी है, तो उन्होंने मुझे एडवांस में विश कर दिया हैप्पी होली, मैंने भी उन्हें विश कर दिया हैप्पी होली, और बाय बाय कहकर उन्हें सी ऑफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भावनाएं हैं, उसे हम बोलते हैं इच्छाओं का एक्सप्रेशन, इच्छाओं को व्यक्त करना। और इच्छाओं के लिए मेरे पास में आता है ऑप्टेटिव, यानी कि इच्छा वाचक। तो देखा जाए तो भाषा के आधार पे, बातचीत करने के आधार पे, हमने सेंटेंस को कितने प्रकार में बांटा, पांच। वो हमने नहीं बांटा, हम लोगों ने मिलकर बांटा, राइट। तो इंग्लिश एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बिकॉज जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश है, राइट। जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश है, हमने इसमें कुछ नया तो नहीं सीखा, मैंने कुछ नया तो नहीं बताया, वही प्रकार है जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक हो जाता है, जब वो उसका रिप्लाई करता है तो वो कथनवाचक हो जाता है, जब हमारी मित्रता हो जाती है और मित्रता में मैं उसे किसी काम को करने का आदेश देता हूँ तो वो इंपैरेटिव आज्ञा सूचक हो जाता है, जब एक व्यक्ति किसी भी चीज़ को देख करके आश्चर्य से कोई भाव आता है, वॉट एन आइडिया, अभिषेक बच्चन का ऐड आता था, कोई भी काम किया क्या जबरदस्त आइडिया, वॉट एन आइडिया, तो हमारा विस्मयबोधक हो जाता है। एंड ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जब हम किसी को विश करना चाहते हैं, तो वो किस में आ जाता है, ऑप्टेटिव के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हमने
पांच प्रकार में इन सेंटेंसेस को डिवाइड किया है। अब इनकी थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं, राइट। तो पहचान क्या है, इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम लोग एक तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, और सबसे ज्यादा यूनिक जो पहचान है वो है क्वेश्चन मार्क। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दैट मींस वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, राइट। असर्टिव की बात करें तो असर्टिव की पहचान है इसमें काम करने वाला व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट मौजूद रहेगा, और सब्जेक्ट मौजूद होगा लास्ट में स्टॉप आने वाला है। अगर मैं इंपेरेटिव की बात करूं तो इंपेरेटिव की शुरुआत हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं, या फिर डोंट से करते हैं, या फिर लेट से करते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां भी फुल स्टॉप है, यहां भी फुल स्टॉप है, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां सब्जेक्ट होगा, यहां सब्जेक्ट नहीं होगा, सीधा वर्ब से हम शुरुआत करेंगे, राइट। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी की बात करता हूं तो एक्सक्लेमेटरी की भी हम दो तरह से शुरुआत कर सकते हैं, एक व्हाट से एंड हाउ से। और कुछ एक्सप्रेशंस जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, आ, ओ, दे आर मैनी एक्सप्रेशंस, और लास्ट में हमारे पास में आता है एक्सक्लेमेशन साइन। जब एक डंडे के बाद नीचे बिंदी रखी जाती है, हम उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, जो बना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। अब हम बात करते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक में भी हमारे पास दो तरह के वाक्य आते हैं। पहला आता है विश वाले, विश वालों की अगर हम शुरुआत करें तो विश वालों की शुरुआत हो जाती है लाइक गुड मॉर्निंग, लाइक गुड इवनिंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, विश वाले वाक्य आ जाते हैं, राइट। एंड दूसरा टाइप जो आता है वो आता है हमारे पास जिनकी शुरुआत हम मे से करते हैं, मे वाले, राइट। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, दे आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो इनके लास्ट में भी हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। तो ये पहचान है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ वापस लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिए लेटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर से ही वर्ड बना है, और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जब सेंटेंस के माध्यम से बातचीत शुरू होती है तो वो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। हमने जाना कि व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, राइट। सेंटेंस के अलावा हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की भी बात करते हैं कि एक सेंटेंस बनता किन चीजों से है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, बाकी उसे डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ये कहता है कि एक सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, प्लस वर्ब की जरूरत होती है, प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, प्लस तो मैंने बताया कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, एंड ऑब्जेक्ट के बाद में हमें कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। राइट, जिसे हम फ्रेजेस के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी थी जिससे कि मैं बता पाऊं कि फ्रेजेस की भी हमें जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सेंटेंस के लास्ट में जुड़ती हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता कैसे है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस बनता कैसे है, वो सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियोस देता जाऊं जिससे कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ती जाए। और मैंने बताया था कि हम लोग इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, एंड मैं आपको मदद करने वाला हूं, ना केवल इंग्लिश ग्रामर के लिए बल्कि हर उस बड़े छोटे एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश आता है। एंड आई गारंटी कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ये सारी वीडियोस को देखते रहेंगे एंड नोट्स बनाते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं और अपने एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और मुझे आज बड़ी खुशी की बात है कि आज सुबह जैसे ही मैं कोचिंग पे पहुंचा तो एक स्टूडेंट आया और उसने बताया कि सर मेरा वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो गया है, एंड खुशी का उसका ठिकाना नहीं था। एंड आई अप्रिशिएट हिम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, जिसका नाम है अश्वनी गोला, है ना। फाइनली वो सेलेक्ट हो गया है एंड उसने आज पार्टी भी दिया। तो मेरी विशेष आप सभी लोगों से यही है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए, सीखते जाइए और जल्दी अपने मुकाम को हासिल कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।